हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्वीट है। गाइस, आप में से बहुत से यूजर्स ऐसे होंगे जो क्रैक्ड एप्स या फिर मोडेड एप्स का यूज करते होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें ऐप के प्रीमियम फीचर को अनलॉक करने के लिए पे नहीं करना पड़ता है, फ्री में ये काम हो जाता है। लेकिन क्या ये सही है? लेकिन चलो सही भी है तो क्या ये सेफ है? अगर है तो कितना, लेकिन अगर नहीं है तो कितना सेफ नहीं है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जस्ट यही बताने वाला हूं कि अगर आप भी कोई क्रैक ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करके बैठे हैं और मजे से उसका यूज कर रहे हैं तो सावधान होने की बहुत जरूरत है, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। ये क्रैक्ड ऐप्स आपके फोन से क्या क्या चुरा सकती हैं, शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाए। तो चलिए जानते हैं क्रैक्ड ऐप्स आपके फोन के लिए क्यों हार्मफुल है और कितनी हार्मफुल है और कैसे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्रैक्ड ऐप्स या मोडेड ऐप्स सबसे बड़ा सोर्स है किसी मालवेयर या फिर किसी इंफेक्शन को आपके फोन तक पहुंचाने का। हम बहुत आसानी से गूगल पर कोई ना कोई वेबसाइट सर्च करके क्रैक्ड ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं और अपने फोन में इंस्टॉल भी कर लेते हैं, लेकिन वो क्रैक ऐप क्रैक्ड कैसे हुई ये किसको पता। सबसे ज्यादा स्केरी पार्ट इस टॉपिक का यही है, जितनी भी आपको वेल रेपुटेटेड एप्स क्रैक मिलेगी, हैकर द्वारा उनको क्रैक किया जाता है। और अगर हैकर की मंशा ये है कि भैया आपके फोन से डेटा उसको चुराना है, तो उस मंशा को कोई नहीं रोक सकता अगर आप क्रैक्ड ऐप यूज करते हैं तो। हैकर चाहे तो आपके सोशल अकाउंट्स हैक कर सकता है, पासवर्ड हैक कर सकता है, इनफैक्ट पूरा फोन ही हैक कर सकता है, जिसमें आपकी क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स, ना जाने क्या क्या हो सकता है। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि हर ऐप को क्रैक इसी एम से किया जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी कीमत पर क्रैक्ड ऐप्स अपने फोन में यूज नहीं करना चाहिए, खास तौर से उस फोन में जिसमें आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा यूज करते हैं आप या फिर कॉन्फिडेंशियल चीजें आप रखते हैं। और आगे बात करें तो सिर्फ ऐप्स ही नहीं, इस तरह की जो ऐप्स को डाउनलोड करने की वेबसाइट होती है वो भी काफी खतरनाक होती है, मलिशियस हो सकती है। आपसे कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स प्रोसेस करवाएंगी उन ऐप्स को डाउनलोड करने का, कोई ना कोई पॉपअप आएगा या फिर किसी पेज को आपको लाइक करना पड़ेगा, जिससे आप एक ना एक गलती कर बैठेंगे और मालवेयर या इन्फेक्शन अपने सिस्टम में या फिर पीसी में आप इंस्टॉल कर बैठेंगे। तो इस तरह की जो फ्री एप्स लुभाने वाली जो वेबसाइट्स हैं, उनसे भी आपको बचना चाहिए। आप में से क्रैक्ड ऐप यूज करने वाले मोस्टली यूजर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये नोटिस किया होगा कि कई बार आप कुछ ऐसी क्रैक्ड ऐप यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, जिनको आपने इंस्टॉल भी कर लिया इंस्टॉल करने के बाद, लेकिन वो ऐप वर्क नहीं कर रही या फिर वर्क कर रही है तो उसका प्रीमियम फीचर अनलॉक नहीं हुआ। ऐसे में क्या होता है, जिस खतरे को आपके फोन में इंस्टॉल होना होता है वो हो चुका होता है और आपको कुछ मिलता भी नहीं है, यानी कि प्रीमियम फीचर आपको अनलॉक नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर ज्यादातर एप्स के आपको ऐसे फेक एपीके देखने को मिल सकते हैं, जिनमें जस्ट आपको लुभाया जाता है और उनके माध्यम से कोई ना कोई मालवेयर आपके सिस्टम में या फिर फोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो कि आपके लिए आगे चल के खतरनाक साबित होता है। एक और हार्मफुल इम्पैक्ट क्रैक्ड ऐप्स को यूज करने का ये होता है, काफ़ी सारी ऐप्स ऐसी होती है जो क्रैक्ड होने के बावजूद भी जब आप उनको इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो आपको उनमें लॉगिन करना पड़ता है अपने किसी जीमेल अकाउंट से, ईमेल अकाउंट से या फिर सोशल अकाउंट से। तो जिस टाइम आप ऐसा कर रहे होते हैं तो उसी टाइम आप एक ऐसा रिस्क उठा रहे होते हैं जिससे आपका वो अकाउंट बैन हो सकता है जिससे आप लॉगिन कर रहे हैं। इनफैक्ट आजकल तो डेवलपर्स पायरेसी डिटेक्शन कोड वगैरह भी एम्बेड कर रहे हैं, तो जैसे ही वो ऐप इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो आपका जो सोशल अकाउंट है या फिर जीमेल अकाउंट है या फिर जो जिस भी अकाउंट से आपने उस ऐप को लॉगिन किया है वो बैन कर दिया जाता है, और कई केसेस में तो आपका जो डिवाइस है उसका आईपी भी बैन कर दिया जाता है, यानी कि आप उस पर फिर आप कोई ऐप ही यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी कई केसेस में कर दिया जाता है। इसलिए आपको क्रैक्ड ऐप यूज करने से बचना चाहिए। और इस तरीके का काम करने से एक मेजर हार्मफुल इंपैक्ट और है, वो ये कि ऐसा करके हम एक इनोवेशन की डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ज्यादातर लोग आप और हम में से कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिसका लोग यूज करें और उसको यूज करने के बाद उसका पैसा पेड करें और हम पैसे कमाएं, लेकिन अगर आपका कंटेंट या फिर आपका इनोवेशन भी लोगों तक फ्री में पहुंच जाएगा तो आपका मोटिवेशन जो है वो डाउन होगा या नहीं। तो इस वजह से जो बड़ी कंपनीज हैं उन पे तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, तो एक डाउनसाइड इसका ये भी है। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो क्रैक्ड ऐप्स बिल्कुल सिक्योर नहीं होती, जितना हो सके उतना अवॉइड आपको करना चाहिए अपने फोन में यूज करने से। आशा करता हूँ जो जानकारी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।